नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान भूख लगना कम क्यों हो जाता है और हमेशा क्या करें इसकी वजह से हमें सही तरीके से भूख लगे, हमारा खाना खाने का मन करे। तो इसी टॉपिक पर बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब महिला गर्भवती होती है तो उसके पास कई तरह के सुझाव आने लगते हैं, परिवार वाले काफी सारे सुझाव देते हैं, यहाँ तक कि अगर आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो वह भी आपको काफी सारे सुझाव अपनी प्रेगनेंसी को लेकर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महिला को भूख का एहसास ही नहीं होता है, हालांकि प्रेगनेंसी में भूख अधिक लगनी चाहिए। अगर आप अपनी समस्या का जिक्र किसी से करती हैं तो वह यही सलाह देता है कि आपको भोजन तो खाना ही है, चाहे आपका मन करे या नहीं करे। अगर आप इस प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं तो आपको यह तो पता ही होना चाहिए कि यह समस्या क्यों हो रही है, उसे कैसे दूर किया जाए। आइए चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं पहली तिमाही में भूख नहीं लगने के कारण को लेकर। प्रेगनेंसी के शुरुआत में ही महिला के शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स का उत्पादन शुरू हो जाता है, जिसका असर शरीर में दिखाई पड़ता है। अक्सर महिलाओं का मन खराब रहता है, बार बार उल्टियां होती है, मुंह का स्वाद खराब रहता है, जिसकी वजह से कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो यह थे कारण पहली तिमाही में भूख नहीं लगने। दूसरी तिमाही में भूख नहीं लगने के कुछ साधारण कारण इस प्रकार से हैं। कुछ हार्मोन्स की वजह से महिलाओं के शरीर में पाचन शक्ति थोड़ा कमजोर पड़ जाती है, साथ ही साथ बच्चों का आकार भी बढ़ने लगता है, तो शरीर में जगह कम पड़ने लगती है, इस वजह से भी भूख कम लगती है। दूसरा, शरीर में कई प्रकार के बदलाव महसूस होने लगते हैं, कई प्रकार के मानसिक परिवर्तन नजर आने लगते हैं, इसकी वजह से भूख नहीं लगने की शिकायत नजर आती है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में भूख नहीं लगने के कुछ कारण हैं, जैसे कि डॉक्टर द्वारा कभी कभी महिलाओं को कई प्रकार के अनुपूरक अर्थात सप्लीमेंट देने की सलाह दी जाती है, जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है, तो यह समस्या नजर आती है। पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है और कब्ज की समस्या रह सकती है, तो यह कारण पिछली तिमाहियों से भी चले आ रहे हो सकते हैं। और बच्चे का आकार इस महीने ज्यादा बढ़ गया है, तो भूख में परिवर्तन आना स्वाभाविक है, ऐसे में थोड़ा सा खा लेने पर ही पेट भरा हुआ महसूस होता है। तो बात करते हैं प्रेगनेंसी में भूख बुलाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में अचानक से महिला को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्ति दे दी जाती है और उसे आराम करने की सलाह दी जाती है, ऐसे में शरीर को कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, भूख कम लगती है, तो महिला को अपने डॉक्टर से पूछकर जो भी कार्य प्रेगनेंसी में किए जा सकते हैं उनसे उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और इससे भूख पर आपके असर पड़ेगा। बहुत सारे योगा ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी के समय काफी फायदेमंद होते हैं, तो आप अपनी प्रेगनेंसी के समय उस तरह के योगा को करें, आपकी भूख पर इसका असर पड़ेगा, भूख बढ़ेगी। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान काफी कम भूख लगती है और आपको लगता है कि भूख वास्तव में कम है, तो अपने डॉक्टर से इस संबंध में आपको सलाह अवश्य करनी चाहिए और वह जो भी उपाय बताए आपको देखकर, आपकी प्रेगनेंसी को देखकर उन्हें आजमाएं। प्रेगनेंसी के दौरान आप कुछ नए नए व्यंजन अपना सकती हैं जिससे आपके मुंह का स्वाद ठीक रहेगा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पौष्टिकता से कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर आप प्रेगनेंसी में हल्की और सुपाच्य भोजन का इस्तेमाल करती हैं तो यह आपकी भूख को सही रखता है। गरिष्ठ और भारी भोजन आपकी भूख को कम करता है, क्योंकि यह देर से पचते हैं तो भूख भी कम लगती है। हर महिला को पता होना चाहिए कि उसे कौन सा भोजन पसंद है, खासकर प्रेगनेंसी के समय वह भोजन आपके लिए फायदेमंद है तो आप उसे जरूर खाएं। इससे आपकी भूख में सुधार नजर आएगा, क्योंकि आप उसे मन से खाएंगे, अधिक खाएंगे तो आपका पेट भी भरेगा और आपके भूख कम लगने की समस्या भी नजर नहीं आएगी। तो यह थे कुछ उपाय जिससे कि आप साधारण प्रकार से अपनी भूख बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।